नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। आयुष मंत्रालय असिस्टेंट डायरेक्टर व क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर मिलिंद सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में संस्थान के अन्य डॉक्टर एवं स्टाफ के साथ पूर्व विधायक गिरीश व्यास को उनके जन्मदिन के अवसर पर सत्कार किया। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धियां तथा विगत दो वर्षों के कार्यकाल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा कलाकारों ने पथनाट्य के जरिए प्रस्तुत किया। जिला सूचनालय कार्यालय द्वारा जिले में विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके चलते जहां ग्रामीण जनता का मनोरंजन भी हो रहा है, वहीं साथ साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी और सरकार की उपलब्धियां भी जनता तक पहुंचाने में यह पहल मददगार साबित हो रही है। पिछले दो साल से कोरोना के साये में जी रही शहर व ग्रामीण क्षेत्र की जनता विभिन्न कला फथक, पथनाट्य, गौलन, कव्वाली, भारूड जैसी पारंपरिक कलाओं तथा उनसे होने वाले मनोरंजन से वंचित हो गई थी। राज्य सरकार के सूचना व जनसंपर्क विभाग ने तमाम स्थानीय जिला प्रशासनों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हासिल की गई उपलब्धियां कार्यक्रम के जरिए जनता तक पहुँचाने के निर्देश दिए थे। इस अनोखे अभियान में कला गुटों के जरिए सरकार की पिछले दो साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया है। जिला सूचनालय कार्यालय द्वारा ग्रामीण इलाकों तथा शहर में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मनपा के सर्वाधिक आय के स्रोतों में से एक संपत्ति कर के तहत भले ही आशा अनुरूप आय नहीं हुई हो, लेकिन अब वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले अधिक से अधिक वसूली करने के लिए सभी जोनल कार्यालयों की ओर से अभियान शुरू किया गया है। इसी श्रृंखला में लक्ष्मीनगर जोन के अंतर्गत चिंच भवन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जोनल कार्यालय की ओर से बकायादारों पर शिकंजा कसते हुए 339 भूखंड जब्त कर लिए। उल्लेखनीय है कि इन भूखंडों पर वर्ष 2012 से संपत्ति कर का बकाया चल रहा है। 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद बकाया अदा नहीं किया जा रहा था, अतः सोमवार को कार्रवाई कर भूखंड जब्त किए गए। कार्रवाई में लक्ष्मीनगर जोन के सहायक आयुक्त गणेश राठौड़ के मार्गदर्शन में सहायक अधीक्षक धनंजय जाधव, कौड़ू बहादुरे, मिलन तांबे, पंकज फुटाने, पंजाब मस्के, सियालाल चौधरी, राजू लोखंडे आदि शामिल थे। सूत्रों के अनुसार मनपा की स्थायी समिति की ओर से पेश होने वाले आम बजट में संपत्ति कर से 350 करोड़ से अधिक की आय होने का अनुमान लगाया गया था। आलम यह रहा कि मनपा की ओर से अब तक केवल 250 करोड़ के करीब ही वसूली हो पाई है। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,197 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,47,000 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत दो मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 3,700 रुपये का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत एक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उससे 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। इटारसी से नागपुर की ओर बनती हुई आ रही थर्ड रेल लाइन का कार्य काफी तेजी से जारी है। ऐसे में नागपुर दिल्ली रूट पर मानकापुर और जरीपटका थाना क्षेत्र में पटरियों के किनारे रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बसे लोगों को हटाने का काम भी तेज हो गया है। सूत्रों के अनुसार मध्य रेल नागपुर मंडल के इंजीनियरिंग विभाग और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अतिक्रमणकारियों को अंतिम नोटिस जारी करने शुरू कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार करीब 700 से अधिक अतिक्रमण हटाने हैं। इनमें झोपड़ों के साथ कुछ पक्के मकान भी है। आरपीएफ और मंडल प्रबंधन की इस कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ज्ञात हो कि आरपीएफ द्वारा 4 दिनों में 700 से अधिक नोटिस देने थे। सोमवार तक इनमें से करीब 550 नोटिस दिए जा चुके हैं। आरपीएफ को दिल्ली से निर्देश मिलते ही शहर पुलिस के मानकापुर और जरीपटका थाना की मदद से अतिक्रमणकारियों को लेकर सर्वे किया था। इस बारे में आरपीएफ नागपुर के अधिकारियों और शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के बीच बैठक भी हुई थी। ऐसे में सीपी अमितेश कुमार ने अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए आरपीएफ की मदद की जिम्मेदारी एडिशनल सीपी नवीन चंद्र रेड्डी को निर्देश दिए। क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र अमरावती रोड गोंडखैरी नागपुर में राजभाषा कार्यान्वयन के वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अजय सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में कार्यशाला को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी डॉ. जयप्रकाश ने संबोधित किया।
उन्होंने संघ की राजभाषा नीति के तहत कानूनी पक्ष पर चर्चा की, साथ ही किसी वर्ष के दौरान राजभाषा अधिकारियों से अपेक्षित कार्यों के सफल निष्पादन विषय पर प्रभारी अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि हिंदी सरल है, यदि अंग्रेजी पत्र 30 मिनट में तो हिंदी का पत्र 3 मिनट में ही समझ आ जाता है, इससे कार्य निष्पादन भी शीघ्र होता है। केंद्र के राजभाषा प्रभारी डॉक्टर पूजा कनौजिया कृषि वैज्ञानिक ने कहा कि हिंदी में कामकाज करना हमारा संवैधानिक दायित्व है, हमारा सारा कामकाज भारत की जनता के लिए ही है, इसलिए सरल हिंदी को हमें अपनी अभिव्यक्ति बनाना होगा। वैज्ञानिक डॉक्टर वाचस्पति पांडे ने अतिथि व्याख्याता के मार्गदर्शन एवं सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यशाला में डॉक्टर प्रवीण वोटला, सुभाष चंद्र, SY कामले, KS राव, KG कुलसंगे, सुशील तलमले तथा अन्य मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। हाल ही में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2022 की पहली बैठक का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उपल की अध्यक्षता में उक्त बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक AK सूर्यवंशी तथा सभी शाखा अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक का संचालन समिति के सचिव एवं राजभाषा अधिकारी गौतम श्रीवास्तव द्वारा किया गया। बैठक के प्रारंभ में AK सूर्यवंशी, अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक ने बैठक में उपस्थित समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने शाखा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नागपुर मंडल क्षेत्र तमाम चुनौतियों के बावजूद राजभाषा के अनुपालन में अग्रणी है, साथ ही साथ हमारा मंडल न केवल गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर रहा है बल्कि उन लक्ष्यों से आगे बढ़कर भी काम कर रहा है। उन्होंने सभी शाखा अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों से अपील की कि वे राजभाषा अनुपालन के स्तर को बनाए रखें। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उपल ने रेल अधिकारियों से अपील की कि स्टेशनों के नामों को राजभाषा के मानकानुसार लिखवाए जाने की व्यवस्था को वे कायम रखें। BAPS स्वामीनारायण मंदिर वाठोड़ा रोड नागपुर द्वारा इस वर्ष प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के अवसर पर अनेक प्रेरणादायक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मंदिर द्वारा संचालित द स्वामीनारायण स्कूल का भी रजत जयंती के अवसर पर मंदिर और स्कूल के सह आयोजन से विद्यार्थियों के लिए स्टडी सर्कल नामक विशिष्ट आयोजन किया गया था। इस समारोह में परीक्षार्थी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए BAPS संस्था के वरिष्ठ संत पूज्य आत्मतृप्त स्वामी विशेष रूप से उपस्थित थे। वे गुजरात में संस्था संचालित संत तालीम केंद्र के अध्यापक संत, संस्कृत महाविद्यालय के प्रिंसिपल और सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के फिलोसॉफी विभाग के डीन के रूप में अपनी मानद सेवाएं दे रहे हैं। तदुपरांत द स्वामीनारायण स्कूल के ट्रस्टी प्रवीण पटेल एवं प्रकाश कुठारी और अन्य संचालक गण भी उपस्थित थे। स्वामीनारायण मंदिर के अध्यक्ष पूज्य मुनि दर्शन स्वामी जी और अन्य संतों ने भी उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अपने भाषण में मान्यवरों ने छात्र छात्राओं को अपने जीवन के श्रेयश्री यानी ध्येय निश्चित करने के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने 3 विषयों पर प्रकाश डाला, पहला लॉन्ग टर्म गोल, दूसरा शॉर्ट टर्म गोल और तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण अल्टीमेट गोल। विक्रम संवत नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम 2 अप्रैल को शुरू हो रहा है। नवरात्रि में हवन, धूप इत्यादि के लिए देशी गाय के गोबर से बनी हवन गोबरी उज्ज्वल गौरक्षण ट्रस्ट बहादुरा ग्राम उमरेड रोड नागपुर में बनाई गई है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भक्तों से निवेदन किया है कि गाय के गोबर से बनी हवन गोबरी का ही नवरात्र में वे उपयोग करें। हवन गोबरी का मूल्य सिर्फ 60 रुपये है। अपनी बुकिंग अति शीघ्र कराने का आह्वान ट्रस्टियों ने किया। हम शहर में भी किसी एक सेंटर पर हवन गोबरी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। आपकी एडवांस बुकिंग से ही हम निर्णय लेंगे। इस आशय के विचार उपक्रम के बारे में जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ ट्रस्टी ने व्यक्त किए। उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री के मार्गदर्शन में विदर्भ अध्यक्ष DB सिंह व जिला अध्यक्ष राम प्रताप शुक्ला के हस्ते विधायक समीर मेघे को ज्ञापन देकर उन्हें अवगत कराया गया कि वाड़ी से हिंगना MIDC जाने वाला रोड टोल रोड होने के बावजूद काफी समय से बहुत ही खराब हो चुका है। यहाँ गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। गाड़ियाँ खराब हो रही है व टायर फट रहे हैं। मोटरसाइकिल गड्ढों में फंसने के कारण लोग गिरकर घायल हो रहे हैं, फिर भी टोल वसूला जा रहा है। न टोल वाले ध्यान दे रहे हैं, न प्रशासन ध्यान दे रहा है। ट्रांसपोर्ट के दृष्टिकोण से वाड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में कारखाना चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट आवश्यक है और रास्ता खराब होने के कारण बहुत ही असुविधा हो रही है। विधायक मेघे ने शांतिपूर्वक ज्ञापन पर विचार कर आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सीमेंट रोड का काम चालू हो जाएगा। वाड़ी के वार्ड 15
वार्ड 2 में भी डामरीकरण कर रास्ते सुधारे जाएंगे। इस अवसर पर राहुल भसीन, दिनेश सिंह, प्रवीण सिंह, विवेक पांडे, राकेश सिंह, संतोष भगत, टीपी तिवारी, आशीष दुबे, अनिल सिंह, पंकजा त्रिपाठी, सीमा सिंह आदि उपस्थित थे। आकार मल्टीपर्पज फाउंडेशन ने महिला दिन के अवसर पर राष्ट्रभाषा साहित्य संघ के भाऊसाहेब शेवालकर सभागृह शंकर नगर नागपुर में सुरों से सजी संगीतमय शाम मेरी आवाज ही पहचान है का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रकाश गजबीये, राष्ट्रीय संरक्षक एवं राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त प्रसिद्ध तबला आर्टिस्ट आचार्य पंडित प्रशांत गायकवाड़, शल्य चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र कोड़वते व आकार मल्टीपर्पज फाउंडेशन की संचालिका अनिता मसराम के हाथों दीप प्रज्वलन किया गया। एक मराठी प्रार्थना से अनिता मसराम और पूरे ग्रुप ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस संगीत संध्या में भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर और डिस्को किंग स्वर्गीय बप्पी लहरी को संगीत में श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का शीर्षक गीत मेरी आवाज ही पहचान है अनिता मसराम और सतीश पुरकाम ने प्रस्तुत किया। रात बाकी बात बाकी ये गीत रेशमा सातपुते ने बप्पीदा को समर्पित किया। भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए कीर्तिका मसराम और वांशिका फुले ने आओ तुम्हें चांद पे ले जाए गीत प्रस्तुत किया। आकार मल्टीपर्पज फाउंडेशन का ये मंच सभी नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करता है। नवोदित गायक कलाकारों में 7 वर्षीय नन्ही कलाकार कृतिका मसराम, नागेश गेड़ा, सुरेश भूषण इन सभी को शॉल और सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जेएच रायसोनी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एलमनाई फोरम व सीएनए फोरम के संयुक्त तत्वावधान में हाल ही में समाचार लेखों का विश्लेषण कैसे करें इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीबीए तथा बीसीए के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस कार्यशाला में जीएचआरसीसीएसटी के बीबीए पाठ्यक्रम में 2019 बैच की पूर्व छात्रा एवं एविएशन इंडिट दिल्ली में एचआर एग्जीक्यूटिव के तौर पर कार्यरत शाबला शर्मा ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को समाचार लेखों से संबंधित बारीकियों से अवगत कराना था। उस दौरान उन्हें समाचार लेखों की विशेषताओं की पहचान करने के साथ ही उनका विश्लेषण करने जैसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई, जिससे विद्यार्थियों में समाचार लेखों से संबंधित साक्षरता तथा वैचारिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिले। रायसोनी बिजनेस स्कूल के निदेशक डॉक्टर आरती देशपांडे व प्राचार्य डॉक्टर जसविंदर कौर के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का संयोजन व संचालन एलुमनाई फोरम प्रमुख प्रोफेसर अरुमिता पावा, सीएनए फोरम की प्रमुख प्रोफेसर कल्याणी दुबे तथा विद्यार्थी गतिविधि प्रमुख प्रोफेसर माधुरी बरुआ ने किया। नगर की सुप्रसिद्ध सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था ज्येष्ठ मित्र मंडल द्वारा जरीपटका स्थित मातेश्वरी भवन में हिट्स ऑफ ओपी नैयर संगीतमय कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में मुख्य पुलिस निरीक्षक वैभव जाधव व विशेष अतिथि के रूप में पीआई क्राइम ब्रांच गोरख कुमार उपस्थित थे। उनका सत्कार मंडल के अध्यक्ष अर्जुन दास आहूजा द्वारा शॉल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर किया गया। इस कार्यक्रम के सौजन्यकर्ता सर्वश्री नारायण डेम्बले, विक्रम आहूजा, नितिन जयस्वानी, जीत बेलानी, रमेश मूलचंद दयारामानी, पहलाद सच्चानी, जय खुशालानी, रमेश संतानी, प्रकाश वाधवानी थे। कार्यक्रम की प्रस्तावना व संक्षिप्त परिचय मंडल के अध्यक्ष अर्जुनदास आहूजा ने रखी। सभी गायक एवं वादक कलाकारों का परिचय करवाते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित किया गया व हर्ष ध्वनि से उनका सत्कार किया गया। स्वागत समारोह का मंच संचालन मंडल की महिला प्रमुख संगीता दलवानी ने किया। गायक कलाकारों में अमर कुलकर्णी, सारंग जोशी, मंजरी वैद्य, आकांक्षा चारभाई ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति देते हुए जाता कहां है दीवाने, ये चांद सा रोशन चेहरा, पुकारता चला हूं मैं, अंत में ये देश है वीर जवानों का गाकर कार्यक्रम को चरम पर पहुंचाया। कलाकारों के गायन से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। जामगांव स्टेशन में मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण आगामी कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। आज 30 मार्च को गाड़ी संख्या 08861 गोंदिया झारसुगुड़ा पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी तथा 31 मार्च 2022 को गाड़ी संख्या 08862 झारसुगुड़ा गोंदिया पैसेंजर स्पेशल भी रद्द रहेगी। रास्ते में समाप्त होने वाली गाड़ियां गोंदिया से चलने वाली 12070 गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी बिला स्टेशन में समाप्त होगी तथा 30 मार्च 2022 को रायगढ़ से चलने वाली 12069 रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी बिला स्टेशन से ही रवाना होगी। रायगढ़ से चलने वाली 12409 रायगढ़ निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस रायगढ़ के स्थान पर बिलासपुर से रवाना होगी।
बिजली कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल पर बोलते हुए राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित चर्चा सत्र में लगभग 36 बिजली कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने उनसे बातचीत की। इस अवसर पर पालक मंत्री डॉ. नितिन राउत ने कर्मचारियों से अपना हड़ताल वापस लेने का अनुरोध भी किया। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिजली कर्मचारी महाराष्ट्र को बंधक न बनाए। वर्तमान स्थिति में गर्मी बढ़ रही है, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं शुरू है, वहीं खेतों में फसल में सिंचाई की जरूरत है। इसीलिए ऐसे में जब निगम वित्तीय संकट में है तब बिजली कर्मचारी राज्य को मजबूर ना करे और हड़ताल को पीछे ले ले, ऐसी उन्होंने विनती की, जिसका उन्हें कर्मचारियों की ओर से सकारात्मक उत्तर मिला। स्थानीय मोहम्मद रफी सभागृह में नगर के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिमाओं द्वारा नए पुराने गीतों की शानदार प्रस्तुति से श्रोताओं की तालियों से सभागार गूंज उठा। कादर म्यूजिकल इंटरनेशनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नगर के गायक कलाकारों में डॉक्टर शुभांगी कुकेकर, डॉक्टर अमजद खान, अमितेश मुखर्जी, रजत चैटर्जी, वसीम खान, भरत मेहता, विजय श्रीवास्तव, जया धाबेकर, एस के इस्माइल, दीपक मेहर, विजय देशकर, अकील शेख, एस के माही, रवि पाटिल, रक्षंदा, विजय गायधने, अनुराधा पाटिल ने सदाबहार गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। श्रोताओं की विशेष फरमाइश पर पार्श्व गायक एम के कादर तथा जीनत कादर ने भी चुनिंदा गीतों की प्रस्तुति देकर धूम मचा दी। कुशल संचालन आनंद राज आनंद ने किया। पुलिस अधिकारी तृप्ति दत्तात्रेय सोनव ने तथा अलमंसूरी दामानी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में शरद चंद्र घोष तथा नौशाद बेगम ने कादर अकेडमी के डायरेक्टर जीनत तथा एम के कादर का नागपुर वासियों की ओर से भव्य सत्कार किया। वादक कलाकारों में मंगेश पटले, मनोज विश्वकर्मा, कृष्णा जनावरे, राजू गजबिये, अशोक डोके तथा अब्दुल जहिर ने वाद्य वृंद पर बेहतरीन तरीके से साथ संगत की। कार्यक्रम को सफल बनाने में अजीज पटेल के साथ साथ शोएब भाई, अनिल खैरकर, सतीश वंजारी, स्वप्निल, शिवेंद्र बिसेन, आरती गौतम ने परिश्रम किया। हाल ही में हंसापुरी छोटी मध्य नागपुर में मानव सेवा संघ के तत्वावधान में कवि लक्ष्मण गौड़िया की स्मृति में होली मिलन एवं होली गायन का भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें नागपुर शहर के होली मंडल की श्रृंखला में कल्लूलाल होली गायन मंडल, भैयालाल उस्ताद होली गायन मंडल एवं महिला मानस मंडल ने होली गायन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर स्वर्गीय किशनलाल नायक, बंसीलाल नायक उस्तादों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व विधायक गिरीश व्यास के हाथों दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मानव सेवा संघ नागपुर शहर अध्यक्ष रवि गौर एवं कला सागर के अध्यक्ष गोपाल पट्टम ने किया। होली गायन में गायकों ने लोक शैली पद्धति में पारंपरिक गायन प्रस्तुत किया। सुप्रसिद्ध जस गायक देवा कनौजिया ने सुमधुर गीत पेश किया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि में पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमन पैगवार, पिंटू पटेल, कमलेश नायक एवं अनाज मार्चेंट, अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, मानव सेना संस्थापक गजानन इंगले, सह सचिव अरुण पांडव, अरुण कामले, महाराष्ट्र अध्यक्ष उमेश शिंदे, पवन जैन, किशोर राठौर, अशोक नायक, शकुंतला गौड़िया, केडी गौर, अमित करतार, रमेश गौर, चंद्रशेखर नायक, घनश्याम गौर, अनिल गौर, लता गौर उपस्थित थे। मंच संचालन अनिल नायक ने किया। चेटी चंड सिंधी दिवस सिंधी समाज के इष्ट देवता वरुण अवतार झूलेलाल जी का 1072वां जन्मोत्सव नववर्ष के रूप में 1 एवं 2 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से गांधी सागर झूलेलाल मंदिर परिसर में सिंधी झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में महंत ठाकुर मोहनदास के सानिध्य में मनाया जाएगा। इस बारे में विस्तृत जानकारी पत्रकार परिषद में महंत मोहनदास ठाकुर एवं अध्यक्ष रमेश जेसवानी ने दी। महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार 1 अप्रैल को संध्या 5 बजे महंत मोहनदास ठाकुर दीप प्रज्वलित करते हुए करेंगे। तत्पश्चात बच्चों एवं महिलाओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के संयोजक सतीश मीरानी, सुनील जग्यासी, संजय धनराजानी, राम खुशालानी, सोनू मेघानी, मधु विधानी, शंकर हरदवानी, जय मोरियानी, प्रदीप जेसवानी आदि मान्यवरों द्वारा वेशभूषा स्पर्धा, मेहंदी स्पर्धा, सिंधी व्यंजन स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ अध्यक्ष रमेश जेसवानी के हस्ते होगा। संध्या 6 बजे सिंधुड़ी यूथ विंग द्वारा तौबा तौबा भगवान बचाए सिंधी नाटक, संध्या 7 बजे बाबा नानक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा सिंधी नृत्य, सिंधी नाटक का आयोजन किया गया है। शनिवार 2 अप्रैल को प्रातः 6 बजे झूलेलाल जी का महाअभिषेक महंत मोहनदास ठाकुर द्वारा पंचामृत व जल से किया जाएगा। महामेट्रो द्वारा रीच स्थित गड्डी गोदाम 4 स्तरीय पुल पर मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। मंगलवार की शाम में पहली बार इस मेट्रो लाइन पर पहियों ने ऐतिहासिक बने गड्डी गोदाम पुल को पार किया, तो ये क्षण बेहद अविस्मरणीय रहा।
पहली बार रीच टू की पटरी पर कस्तूरचंद पार्क मेट्रो स्टेशन से आगे पहिए दौड़े। ये पहिए ब्रिज को पार करते हुए ऑटोमोटिव चौक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे। काफी ऊंचाई पर बने पुल पर पहली बार पहियों का संचालन सटीकता से किया गया। इस विशालकाय चार स्तरीय यातायात व्यवस्था को पहली बार पार किया गया। दिल्ली रेल मार्ग पर 1650 टन वजनी स्टील गर्डर की स्थापना 4 फरवरी 2022 को महामेट्रो प्रशासन द्वारा सफलतापूर्वक की गई। देश में पहली बार चार स्तरीय यातायात व्यवस्था का निर्माण करना तकनीकी दृष्टिकोण से बेहद जटिल कार्य था। महामेट्रो द्वारा इस ढांचे को निर्माण करने के तकरीबन 1.5 महीने बाद चौथे स्तर पर बिछाई गई मेट्रो पटरी पर पहियों को सफलतापूर्वक दौड़ाया गया। महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित ने चार स्तरीय ब्रिज का मंगलवार की शाम में निरीक्षण कर प्रत्येक पहलुओं को बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरे में उनके निदेशक प्रकल्प महेश कुमार तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पंजीकरण किया जा सकता है। ये जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल परडी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। ये जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।